नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज के प्रमुख समाचार। नितिन गडकरी ने किया कैब सेवा का बचाव। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कैब सेवा पर प्रतिबंध समस्या का हल नहीं है। गडकरी ने कहा कि नियमों को बेहतर बनाकर इसे पूरी सख्ती से अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि कल यदि बस में कुछ हो जाता है तो क्या बस सेवा बंद की जा सकती है? हमें सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। गडकरी ने कहा कि जिस सिस्टम ने ड्राइवर को लाइसेंस दिया उसमें कमी है, हमें एक नए डिजिटलाइज सिस्टम की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने उबर टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने उबर के अलावा ओला और टैक्सी फॉर श्योर पर भी परिवहन नियमों का पालन नहीं करने पर रोक लगा दी है। एडिलेड टेस्ट में वार्नर का शतक, अंतिम ओवरों में भारत का बाउंस बैक। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 354 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड मॉर्गन ने 23 शतक लगाया। कप्तान माइकल क्लार्क ने 60 रन बनाकर उनका अच्छा साथ निभाया। स्टीवन स्मिथ 72 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने के 5 ओवर पहले ऑस्ट्रेलिया की पारी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी और वरुण आरोन ने एक के बाद एक 3 विकेट झटक कर भारतीय खेमे में कुछ राहत दी। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह एडवांटेज नहीं लेने दिया। कल जब खेल शुरू होगा तो पूरा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर होगा। देखना यह है कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में भारतीय गेंदबाज कितना चमत्कार कर पाते हैं।